सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल। आई एम रोहित फ्रॉम महाजन ट्रेडर। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं TTML के बारे में। तो TTML का ये स्टॉक काफ़ी तगड़े रिटर्न्स देने वाला है आने वाले टाइम में। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि एक टेली कम्युनिकेशन कंपनी, एक कम्युनिकेशन कंपनी जो जिसका फ्यूचर काफ़ी स्ट्रांग है और स्पेशली टाटा की है। अभी ऐसा टाइम आ गया कि जो जियो है और भारतीय एयरटेल है, इन दोनों की टक्कर में और कोई कंपनी नहीं है। एक थी वोडाफोन आइडिया, अभी भी है, बट उनमें ऐसी कोई न्यूज़ हमें सुनने में नहीं आती है कि वो आगे बढ़े। पर TTML टाटा सेक्टर का एक स्टॉक है, टाटा ग्रुप का एक स्टॉक है। तो आप सोच सकते हो कि टाटा ग्रुप का स्टॉक है, अगर टाटा ने इस पर फोकस्ड किया, इस पर टाटा पूरी तरह से फोकस हो गया और इसने सोचा कि चलो ठीक है इसे भी आगे बढ़ाते हैं, तो आप सोच सकते हो कितना तगड़ा ये रिटर्न दे सकता है। और जैसे कि आप पिछले टाटा के कई स्टॉक्स देखे होंगे आपने, टाटा कंज्यूमर हो गया, टाटा पावर हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, तो ये स्टॉक का प्राइस आज से एक डेढ़ साल पहले 70, 75, 30, 40 रुपए में हमें मिल रहा था। और आज उनका प्राइस क्या है? टाटा पावर का प्राइस है लगभग 132 के आसपास का, टाटा मोटर्स का प्राइस लगभग 300 को छू रहा है, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का प्राइस कहाँ जा रहा है, टाटा के सारे जो शेयर्स है एक लॉजिक है गाइस, एक लॉजिक है, ये होता है या नहीं होता है, पर मैंने जहाँ तक देखा है कि टाटा में ऐसा होता है, टाटा के सारे स्टॉक में मैंने ऐसा होता हुआ देखा है। तो वही एक लॉजिक हम लगा सकते हैं कि टाटा के जो स्टॉक्स थे वो एक टाइम पे काफ़ी सस्ते मिलते थे, वैसे ही इसमें आप देख सकते हो TTML है। TTML हमें 36.30 रुपये में मिल रहा है। TTML का पूरा नाम है टाटा टेलीविज़न महाराष्ट्र लिमिटेड, तो स्पेशली महाराष्ट्र लिमिटेड है। और आप देख सकते हो टाटा कुछ भी कर सकता है। जैसे रिलायंस इंडस्ट्री ने जियो का इतना बड़ा माइलस्टोन खड़ा कर दिया है कि उसके टक्कर में कोई नहीं है भारतीय एयरटेल के अलावा, तो आप सोच सकते हो टाटा जियो के रिलायंस के टक्कर में टक्कर वाली कंपनीज है। और आप सोच सकते हो TCS जैसा जो कंपनी है, सॉफ्टवेयर कंपनी है टाटा की, उसके सपोर्ट में अगर TTML चलता है तो आप सोच सकते हो कितना तगड़ा रिटर्न है देने वाला है। तो वही है गाइस, क्योंकि इसके पिछले रिकॉर्ड्स अगर देखे जाए तो काफ़ी नीचे तक ये स्टॉक है, बट एक टाइम ऐसा था कि काफ़ी ऊपर तक ये गया था। और 6 महीने पहले की भी बात की जाए तो आप देख सकते हो, मैं अभी की बात कर रहा हूँ 6 जुलाई की, 6 जुलाई को 54 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, तो काफ़ी तगड़े रिटर्न देने वाला है। अगर आज की बात करें तो 75 पैसे स्टॉक बढ़ा है। सो गाइस, ऐसी ये कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो मैंने आपको बताने वाला था। और इसमें अब चार्ट की बात करेंगे, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना फोर शेयर्स के अपडेट्स के लिए, और वीडियो को लाइक कर देना गाइस। तो गाइस, आप देख सकते हो, पहले हम बात कर लेते हैं इसके मार्केट कैप की। तो मार्केट कैप अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो 7.13,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वही अगर 52 वीक के हाई की अगर बात करें तो 54 रुपये 52 वीक का हाई है, जो कि अच्छी बात है। और 52 वीक के लो की अगर बात करें तो 2.70 रुपये इसका लो दिख रहा है, वो मिल रहा है। वही TTML के चार्ट की हम बात करें तो चार्ट एक इंपॉर्टेंट थिंग बन जाता है किसी भी स्टॉक के लिए। तो चार्ट की हम बात करने वाले हैं गाइस, तो मैं चार्ट पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पर हम चार्ट पे आ गए, तो चार्ट पे आपको सिंपल सा एक ट्रेड देखने को मिलेगा। मैं 1 वीक चार्ट फ्रेम पर भी बता दूंगा कि क्या कुछ इसमें हो सकता है, बट अभी तो इसका तो बता देता हूँ, मैं 1 डे टाइम फ्रेम पर मैं बता देता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं कहाँ पर इसमें बाय की ओर जाने वाला हूँ, मैं कहाँ पर इसमें अपने पैसे डालने वाला हूँ, तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ब्रेकआउट मिला था स्टॉक को और ऊपर गया। ये जो ब्रेकआउट की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक क्यों ब्रेकआउट की बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको वो भी क्लियर करूँगा इस वीडियो में। तो यहाँ से स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पर आया, सपोर्ट लिया था लगभग 32 रुपये के लेवल पे, फिर से ऊपर गया 46 रुपये लेवल तक, फिर नीचे आया और साइडवेज चलते चलते यहाँ पर हमें ब्रेकआउट किए और जाता हुआ दिख रहा है। और कल मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि इसमें ब्रेकआउट मिल सकता है। अगर यहाँ पर ब्रेकआउट मिल गया तो भाई 57 रुपये का टारगेट कहीं नहीं गया, 57 रुपये के टारगेट को तो ये अचीव कर ही लेगा, क्योंकि सिंपल सा ट्रेड है। यहाँ से नीचे आया, ऊपर गया, रिजेक्शन मिला, नीचे आया, यहाँ पर ब्रेकआउट मिलेगा, सीधा ऊपर जाएगा। सिंपल सा ट्रेड है जैसा हम डेली लाइफ में करते हैं। अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपने कई सारे चार्ट बनाए होंगे तो आप इसको अंडरस्टैंड करते होंगे। तो अगर इसका पिछले रिकॉर्ड्स की अगर बात करें तो टाटा का ए स्टॉक पिछले जो इसका हाई था, यहाँ का हाई था, इसे यहाँ पर रिजेक्शन मिला था, यहाँ से नीचे आया और यहाँ पर इसे ब्रेकआउट मिल गया। तो यहाँ का ब्रेकआउट मिला है तो रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ के इसके टच भी किया था, इसे रिजेक्शन मिला था और यहाँ पर इसने इसे टच भी किया था। तो ऐसा कुछ इसमें सीन क्रिएट हो रहा है गाइस, और अगर ऐसा होता है तो काफ़ी तगड़े इसमें रिटर्न्स मिलने वाले हैं और काफ़ी हाई रेंज से स्टॉक लगाने वाला है, क्योंकि टाटा का स्टॉक है, टाटा ग्रुप का स्टॉक है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा ही होगा। वही अगर बात करें रेवेन्यू की, रेवेन्यू में थोड़ा हमें गिरावट देखने को मिल सकता है, नेट प्रॉफिट में भी हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, बट प्रमोटिंग्स की अगर बात करें, इसमें प्रमोटर्स का क्या रोल है, क्या कुछ रोल देखने को मिलेगा, तो 74% तक इसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग है।
और वही अगर बात करें तो 25% हमें यहाँ पर आपकी पब्लिक होल्डिंग की बात दिखेंगे। टाटा टेली सर्विस लिमिटेड की यहाँ पर 48% की होल्डिंग है। टाटा सन प्राइवेट लिमिटेड की यहाँ पर 19% की होल्डिंग है। टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की, जैसे मैंने बोला टाटा पावर की भी यहाँ पर होल्डिंग्स है। टाटा पावर खुद एक कंपनी है और उनकी भी होल्डिंग्स इस कंपनी में है। तो आप देख सकते हो एक टाटा का काफ़ी तगड़ा स्टॉक है और पब्लिक की भी होल्डिंग है। वही अगर म्यूचुअल फंड्स की देखा जाए तो यहाँ पर कोई डाटा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। बट रेवेन्यू की भी अगर बात करें तो यहाँ पर डाउन ट्रेंड में ही ज़्यादा दिख रहा है। बट अगर बात करें ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू की 2020 जून की अगर बात करें, एनुअल की मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पर तो माइनस में ही दिखाई देगा। बट क्वार्टर में देखा जाए तो अभी 268 का रेवेन्यू चल रहा है। अब बीच बीच में 2020 दिसंबर में इसने अच्छा खासा 278 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो न्यूज़ की अगर बात करें तो देख लेते हैं क्या क्यों जिसमें न्यूज़ आती है। टाटा आप देख सकते हैं उसमें, यहाँ पर आप देख सकते हैं लॉस इन्होंने बुक किया था। बट कोई दिक्कत नहीं है गाइस, टाटा के पास इतना पैसा है कि ये लॉस आराम से रिकवर कर लेगा। तो काफ़ी तगड़े इसमें हाई राइस लगने वाले गाइस। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एक सिंपल सा ट्रेड बन रहा है। और यहाँ पर एक एनालिस, यहाँ पर अगर हम एक ट्रेड लाइन बना दे, इस टाइप की ट्रेड लाइन बना दे, एक बार गाइस मैं बना देता हूँ, तो क्या कुछ लॉजिक हम इसमें और लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक ट्रेड लाइन बना दी है, एक सिंपल सी मैंने ट्रेड लाइन बना दी है। और यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ से इसे रिजेक्शन मिला, इस लेवल से इसे रिजेक्शन मिला, नीचे आया, साइडवेज चलते गया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर साइडवेज चलते गया, 1 रुपये तक स्टॉक आ गया था, फिर ऊपर गया और यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया। तो ब्रेकआउट देने के बाद बात क्या हुआ, ब्रेकआउट देने के बाद सडनली स्टॉक ने हाई लगा दिया 22 रुपये के आसपास का, फिर नीचे आया रिट्रेसमेंट करने के लिए, प्रॉफिट बुकिंग तो होंगी, फिर ऊपर गया और आप देख सकते हो ऊपर जाने के बाद फिर से यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, फिर ऊपर जाएगा रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा रिट्रेसमेंट करेगा, फिर ऊपर जाएगा रिट्रेसमेंट करेगा। तो सोच सकते हो कितने हायर ऐसे लगा सकता है, 100-200 रुपये का प्राइस तो इसके लिए काफ़ी अच्छा है। और आने वाले टाइम में 1000 रुपये तक भी ये जा सकता है, क्योंकि रिलायंस आप देख सकते हो कितनी टॉप पर आ गई है, भारतीय एयरटेल कितना टॉप पर आ गया। तो काफ़ी तगड़े इसमें रिटर्न हमें कमाकर स्टॉक देने वाला है। सो गाइस, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।